अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नदर व्लॉग। आप कौन जी? हाँ, आज का सीन ये है कि सैडी वगैरह कर ली है। अच्छा अच्छा अभी बस अजाने वगैरह और ये सायरन वगैरह बज रहे हैं, रोजा बंद कर रहते हैं। अभी सोमवार तो सीन आज का ये है कि आज मैथ्स का पेपर है कॉलेज में, आज कॉलेज जाना है। कॉलेज के साथ सीन ये है कि आज गाड़ी लेके जानी है, आज आखिरी पेपर है। तो आपको पता है कि सेशन वगैरह खत्म हो गए, सारा सारे बच्चे हैं, पता नहीं क्या है, दोस्त कह रहे थे गाड़ियाँ लाएंगे, रैली निकालेंगे। मुझे वैसे वो शौक तो नहीं है रैली निकालने वाला, जो गाड़ियों में निकालते हैं तो सिक सैक हो जाते हैं, तो गाड़ियों में ड्रिफ्ट वगैरह मार, मेरी असल में गाड़ी डाउन हुई भी आपको पता है, तो सिर्फ मैं क्रूज वगैरह मार सकता हूँ, गाड़ी घूम नहीं सकती। मगर क्यों? बड़ा रिम लगा हुआ है तो फेंडर वगैरह में लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्सल वगैरह लोड पोर्ट पता है, आगे से टायर वैसे भी कैम्बर हुआ है, तो गाड़ी में क्रूज भी मार सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता उसके अलावा। नमाज वगैरह पढ़ते हैं, नहा धो के फिर जाते हैं कॉलेज। एक दोस्त है, साथ व्लॉग में आया था, बाइक लेता से XXR वाली, चाय चाय आज से पूछे उसका गाड़ी का नाम रखा है कुछ रखा है उसके साथ, एक मतलब अपना लाइन में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। सीन कुछ सोचा हुआ है, लेकिन अल्लाह करे हो जाए। अजान हो रही, नमाज पढ़ के फिर आपसे मिलता हूँ। One hour later. नहा धो ली है, वेरी गुड, कपड़े वगैरह पहनते हैं, कपड़े पहन ली, कपड़े वगैरह पहन लिए, तो बस अभी तो इसी मैथ की तैयारी वगैरह करते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूला वगैरह, फिर उसके बाद कॉलेज के लिए निकलते हैं। दोस्त को साथ, अल्लाह के दोस्त निकल आए घर से, कह रहे 7:30 बजे पहुंचूंगा, 7:30 बजे पेपर है, तो देखते हैं। उसका घर ऐसा में करीब है, मेरा ऐसा में कॉलेज है G6 में ना, मतलब ब्लू एरिया में ही है, उसका घर G7 में, तो उसके लिए करीब ही पड़ता है, मतलब 5-3 मिनट का रास्ता उसके लिए, मेरे लिए थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। अल्लाह करे वो जल्दी निकल जाए, तो हम एक लाइन अप में, मतलब दो गाड़ियाँ तो एक लाइन में आते हुए ना साथ पार्क करेंगे, तो अच्छा लगता है दोनों कल ड्रेस साथ करीबी। क्या सोच है रे तेरी? ये टोपी मैंने बाल करण लगाए हुए, वेरी गुड, ये टोपी मैंने बाल सेट करने के लिए पहनी थी कि मेरे बाल थोड़े सेट है, चेक करो फिर माँ के बच्चे हो। ये कुछ देर बाद फिर खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी धूप धूप शूप लगेगी ना, खराब हो जाएंगे। तो अभी दोस्त का मैसेज आया, दोस्त कह रहा है, अभी देखा था नोटिफिकेशन आया, दोस्त कह रहा है कि आ जाओ, तो बस अभी चलते हैं G7। चलो चलो चलो, ये कल्टस की नई चाबी बनाई है मैंने। अच्छा, चस्के वाले आए जियो। 15 मिनट्स लेटर। अच्छा, जो हमने जिस दर से G7 जाना है ना, वो है G9, G8, फिर G7। G7 इस टाइम इस तरह जा रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले करे होते हैं इधर G9 व्यू पे, जो इशारा नहीं आता सिग्नल, संतोष हो जाता है यहाँ से, तो वहाँ पे पुलिस वाले करे होते हैं कोने पे, तो चलान वगैरह कर देंगे क्योंकि गाड़ी ऐसा में काले शीशे हुए हैं। अभी बस 17 को लाइसेंस बन जाए तो अल्लाह करे बस जान छूट जाएगी मेरी, तो बस अभी निकलते हैं। टाइम वो हो गए हैं 7:10-20 मिनट रह गए, सब कुछ ले लिए, गाड़ी कॉपी वॉलेट कमरे की चाबी वगैरह लग ली है, बस निकलते हैं, गाड़ी गर्म हो गई है। चलो चलो चलो, अभी G8 से गुजर रहा हूँ मैं, G8 के बाद फिर G6 आएगा, G6 के बाद फिर G7 आएगा। G7 पहुंच गए हैं, अभी ये मलोडी वाली रोड से गुजर जाएं। 2 hours later. ऐसे अभी पेपर देकर आ गए हैं और ये गाड़ियां करीम ही हैं। अभी घर की तरफ जा रहे हैं, दोस्त चला गया तो बस बातचीत की है, उसकी गाड़ी गंदी थी तो कह रहे थे आज मुश्किल ही, आज मजा नहीं आएगा। अच्छा, तेरा संगी गया अभी? हाँ, आगे लगा गाड़ी। अभी एक और संगी मिल गया, ओए रुक जा। हेलो ब्रो, क्या सीन है ब्रो? अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं? हाँ, घर जा रहा हूँ बस, अभी वो हाशिए लोगों को लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, असद वगैरह को उससे मिले और संगी दे रहा है? हाँ, उसी के साथ ही मैंने गाड़ी खड़ी की हुई थी ना। हाँ, मैंने नहीं देखे, मैंने कहा शायद तू आज गाड़ी नहीं लाएगा। गजब टू बी बाज आदमी। A few moments later. मैं अंदर अंदर से आया हूँ मलोडी से,
यहाँ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, आज भी मेरे शीशे काले हुए हुए थे। मैंने कहा वो पकड़ लिया, अभी सुबह पेपर लेट हो जाएगा। 15 minutes later यहाँ पे आए हैं G9 में, पुराना जो बाजार लगता था। अब इस गाड़ी की फोटो शूट हो रही है। अभी घर घर हो रहे हैं, दोस्त गाड़ी निकाल रहे हैं। मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं। सामने खिले भी खड़े हैं वो लाकर घर आ गए। अभी दोस्त को बाइक पे छोड़ते हैं, गाड़ी पे पेट्रोल बहुत लगेगा। दोस्त को छोड़ कर आ गए, अभी घर चलते हैं। स्टेयरिंग वगैरह लगवाते हैं मोमो का, क्योंकि अभी ईद आ रही है तो ईद में तस्वीरें वगैरह लेनी है मोमो की स्टेयरिंग के साथ। अभी बस घर चलते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं गाड़ी लेके, तो उसके बाद टीशर्ट की तैयारी करनी है। A few moments later. अभी जो मैंने रील वगैरह बनाई है वो तो सही तो नहीं बनी, लेकिन मेरी की चेन में जो गियर नॉब साथ लटक रहा था ना, वो पता नहीं कहाँ गिर गया। पता नहीं यहाँ अल्लाह करे गिरा हुआ तो मिल जाएगा, नहीं मैं वहाँ तो फिर दोस्त को जो मैं छोड़ते हुए आ रहा था या जाता हुआ आ रहा था, छोड़ रहा या जा रहा जो भी है, वहाँ फिर रास्ते में अब गिर गया होगा। अल्लाह करे यहाँ कहीं गिरा हुआ, क्योंकि इधर ही मैंने की चेन निकाली थी, वो चाबी वाला सीन था, स्टेशन करना था। कैसे ढूंढूंगा की चेन तो मिली नहीं है, तो अब पता नहीं क्या करेंगे, गुजारा करना पड़ेगा। राफे की चेन पड़ी हुई, राफे नाम की, वो लगा लूँगा। गियर वाली ज़्यादा मज़े की लग रही थी, पता नहीं कहाँ गई है यार। वो रील बनाने के लिए उतारी, रील भी इतनी अच्छी नहीं बनी और की चेन भी ऊपर से मतलब नुकसान ही होगी। सीन ये कि अभी दोपहर का वक्त हो गया, सुबह जो दोस्तों वगैरह के साथ टाइम स्पेंड वगैरह करना था वो मैंने कर लिया, मतलब वीडियो वगैरह जो भी बनाना था शुगर मिला। अब दोपहर में हमारे पास मेहमान आए हुए थे, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं US से। हाँ? तो परफ्यूम ही है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये परफ्यूम आया है, और वैसे भी मेरे पास पूरी कलेक्शन है। ये एक दोस्त ने लंदन से भेजा था, लंदन में होता है वो। फिर ये नीचे ये मामू ने भेजा था, ये यहाँ संतोरा से लिया था, और ये बाकी ये अम्मी ने दिला के दिए थे यहीं से। तो ये सीन, अभी एक और आ गया इधर, अभी इसको कोल के चेक करते हैं कैसा परफ्यूम है, क्या खुशबू है इसकी। चलो चलो चलो, खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ओ जियो जियो, माशाल्लाह से इसकी वो आप लोग देख सकते हैं। अभी खुशबू देखते हैं कैसी है। अभी परफ्यूम वगैरह लगा लिया, खुशबू वगैरह लगा लिया। अच्छा, अभी का सीन ये है कि अभी गाड़ी में स्टेयरिंग व्हील लगवाना है, क्योंकि अभी ईद आने वाली, ईद में कम से कम 2 दिन रह गए। मंगल को ईद है या बुध को ईद है, तो अभी स्टेयरिंग व्हील लगाने चलते हैं, उसके साथ तस्वीर अच्छी आती है ना, समझा करो ना यार। व्हाट आर यू डूइंग, ये मैंने पूरा गाड़ी का रखा हुआ है। बॉस्किट वो पड़ी है जो नई, मैं बॉस्किट लेकर आया हूँ, अभी इसको निकालते हैं। असल सीन ये हुआ, जो बॉस्किट जो पुरानी वाली टूटी है वो ये, इसके ऊपर बॉस्किट लगी हुई थी, तो ये यहाँ पर लगी है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कपड़ा भी थोड़ा पड़ी है, तो ये बॉस्किट इधर लगी है, तो उसकी वजह से ना ये जब फुल नीचे हुआ हुआ था ना, तो ये बॉस्किट और ये बराबर हुए हुए थे, तो मैं इसके ऊपर ऐसे ही बैठा हूँ, थोड़ा सोफ़ा नीचे हुआ है, तो क्या नाम है, ये बॉस्किट इधर लग के टूट गई है, तो ये नई बॉस्किट लेनी पड़ी मुझे। बॉस किट के अंदर मैंने सब कुछ रख लिया, इसकी टूल वगैरह जो होते हैं, पेज वगैरह, पुराने वाले पेज लगेंगे, क्योंकि इसको ये किट वगैरह में जो पुराने इसमें पेज लगे हुए थे वही लगेंगे। तो अभी चलते हैं लेके, अल्लाह करे मैकेनिक फ्री हो ये ना, मैकेनिक सुनाने लग जाएगा तू ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है, कभी लगाता है कभी उतार देता है, कभी लगाता है कभी उतार देता है। ये मैंने बनाया था प्लेट, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है जिस नीयत से मैंने बनाई थी, वो जेपैक बॉयज़ हैं कराची से, वो भी गाड़ी के शौकीन रखते हैं, तो उनकी मैं कल रील देख रहा था या स्टोरी देख रहा था, तो वो बता रहे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, तो ये उनकी कौम है इसराइल, तो इसकी वजह से मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि किसी इस्लामिक मुल्क के पीछे आप ऐसे गंदे अल्फाज वगैरह यूज़ करें। तो अभी इसको हटा के दुराफे लिखवा दूँगा मैं, इसके पीछे ये साफ़ है, तो ये गाड़ी के बम्पर के आ जाएगी, और ये नई वाली पे ग्राफी लिखवा लूँगा। तो बस अभी चलते हैं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा कि अब सबको पता है इसराइल चलो बुरा है, लेकिन हम इस तरह नहीं करना चाहिए कि दूसरों के मालिक के साथ ये हम सबको बता रहे होंगे ये है, ये फलाना है, ये वो है। बात तो सही है। A few moments later. और नंबर प्लेट मनी भी है, लेकिन वो जो लिखाई हुई भी है ना, आपको पता दिखाई है नाम ही,
बैड बॉयज ने बचा लिया। तो ये बाइक वाले मेरे पीछे पता नहीं क्यों आते हैं, रिश्तेदारी है मेरे साथ इनकी, पता है एक गाड़ी नीचे तेरी करके निकलती है, नहीं मेरे अंदर घुस जाते हैं। मैकेनिक के पास पहुंच गया, अल्लाह करे मैकेनिक हो। निसान 350Z टू डोर तो आती है, मतलब कन्वर्टेबल है। मैकेनिक गया हुआ था किसी गाड़ी के, दूसरी गाड़ी का काम करवाने के लिए, मतलब दूसरी किसी गाड़ी का ना काम करने के लिए। अभी फ़ोन करके मैंने पूछा है तो कह रहे हैं तो मैं आ रहा हूँ, तो तुम इंतज़ार करो। अच्छा, नींद आ रही है यार, चुईसा कोई बात नहीं, अभी मैं सोने लगा हूँ, मतलब सोने नहीं लगा, लेटने लगा हूँ गाड़ी में। क्या बात है, नोटी हो रहा, सीट फुल नीचे की हुई है, फुल डाउन टू अर्थ हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तो ऐसा करते हैं, नी करते हैं, नी। ठीक है, समझ गया। तो इतने में मैकेनिक भी आ जाएगा, मैं ऐसी बस रोड ना पा रहा हूँ की आज रोड बड़ी तो नहीं होगी। मैकेनिक का इंतजार करते हैं, इतने में फोन भी चार्ज हो गए, फोन भी सुबह से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, चार्जिंग खत्म हुई भी है, पावर बैंक लगाया हुआ साथ में, देख सकते हैं। तो अभी बस साथ साथ चार्ज होता रहेगा, साथ साथ मेरी नींद पूरी होती रहेगी, गुड हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। A few moments later, एक तो इस गाड़ी में मैं कैसे बैठू, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 फुट का बंदा हूँ और गाड़ी खुल गई। अच्छा, सीन ये है कि अभी कैमरा विंगा हुआ, विंगिया लगा, फुली चमकाने हुआ, ये सही है ना चीज़। चल बस रुलाएगा है क्या, अभी इस बॉस्केट को खोलने लगा हूँ, चलो दिखाते हैं आपको बॉस्केट में होता क्या क्या। ठीक है, समझ गया। ये एक प्यारी सी किट होती है। अच्छा, इसमें इसकी चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, अंदर ये जो पेज वगैरह पड़े हुए हैं, ये पुरानी किट के पड़े हुए, असल जो इसके साथ जो पेज आते हैं वो असल में ये जो रिलीज किट लगी हुई है, ये जो किट लगी हुई है, किट अलग होगी। इस किट की ये जो आप देख सकते हैं ना, ये मोटापा या मोटाई, ये जो इसके जो स्क्रू ड्राइवर कह रहे हैं, स्क्रू जो आते हैं ना, वो इसके साथ नहीं सही बैठते। ठीक है, समझ गया। उसकी वजह से ना ये लगाते हैं, देखिए आप कितना बाहर आ जाते हैं, तो ये आराम से इस किट के साथ लग जाते हैं। बाकी जो इसके साथ आते हैं ना स्क्रू, वो बहुत छोटे होते हैं, वो कम अज़ कम इतने से बाहर आते हैं, इतने से मतलब इसकी चूड़ी में हल्का सा टच होते हैं, मतलब सही तरह वो बैठते नहीं है, तो ये फुल चूड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो ये हम ये पुराने वाले ये लगाएंगे, बाकी ये किट लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ हॉर्न चलेगा, पुरानी वाली किट के साथ हॉर्न ही नहीं चलता, वो क्या होगी, टूट गई। वासाम जी सारी भाई, एक पाडो, एक सुनाटा, एक लेंट्रा मैंने दिया। क्या बात है? अच्छा, ये सीन है, ये ऐसे ऐसे चलाऊंगा, ऐसे किट ऐसे स्टेयरिंग रख दूंगा मैं। ऐसे करके ये देख सकते हैं आप। बाकी इस प्लेट का सीन ये है कि जिस तरह वो हमजा के हमजा ने वो रोला पे लगाई हुई ना नंबर प्लेट हमजा की, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ भी मैं वो वाला फॉन्ट यूज करके ना अद्दुराफे उर्दू में लिखवा लूँ, प्यारा लगेगा। ये काम मैं साथ में ये भी लेकर आया हूँ, सब कुछ पड़ा हुआ है, गाड़ी का मुझे इतना शौक है, गाड़ी का सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है कमरे में, रेम पड़े पुराने वाले, किटे वगैरह पड़ी हुई, स्टेयरिंग भी मेरे कमरे में पड़ा हुआ होता है, कोई स्टोर रूम वगैरह में नहीं पड़ा होता, चौक जो इस गाड़ी के निकाले हैं वो भी मेरे कमरे में पड़े हुए, स्प्रिंग भी मेरे कमरे में पड़े हुए, और क्या जो भी गाड़ी का सामान है सारा मेरे कमरे में भरा हुआ है। क्या बात है, कार गाय प्लस कार रूम। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब सब कुछ एक ही कमरे में, जिस तरह हाजी का सीन है ना, हाजी के कमरे में वो हफ्ती बिलाय का सारा सामान पड़ा हुआ है, वैसे मेरा सीन ये इसके वो है इस प्लेट के साथ, क्योंकि इसके जिस बंदे ने प्लेट बनाई उसके सुराग इतने बड़े कर दिए कि ये अब जाके सही बैठते हैं, जो इसके अपनी आते हैं ना नंबर प्लेट के साथ वो आधे अंदर चले जाते हैं, तो निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सीन है, बस अभी मैकेनिक का इंतजार करते हैं यार, अल्लाह करे मैकेनिक आए, आ ही नहीं रहा। व्हाट आर यू डूइंग मैकेनिक, व्हाट आर यू डूइंग। A few moments later. कहाँ पे गए हुए थे? कहाँ पे गए हुए थे? क्या कोई गाड़ी का काम था? यहाँ पे तो पर्दा चल गया, यहाँ पे तो पर्दा चल गया था, पता नहीं कोई काम नहीं हुआ, पता नहीं ग्राहक के साथ बदतमीजी की है। मैकेनिक आ गया, अभी बस स्टीयरिंग वगैरह चेंज करवाते हैं। यार आप कर लो पहले, आप कर लो, मैं व्लॉग कल बना रहता हूँ, कल आ जाओ बस सही है, व्लॉग को एंड करते कल आ जाते हैं, ये ऑन बाजार।
15 minutes later. Steering lag gaya. Purana steering gear tha. Genuine hai, genuine. Ab bhi gaadi ko bas ghar leke chalte hain. Seat seedhi karein. ठीक है समझ गया। सीट बेल्ट मैंने पहनी। अच्छा। गियर मैंने लगाया। हैंडब्रेक मैंने नीचे की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मजे आ गए, मजे आ गए। आए हाय 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 चस्सा। एक तो फैमिली कार है ना, कभी ये लगता है कभी जेन्युइन लगता है। मैकेनिक कभी कभार तक आ जाते हैं, लेकिन जब पैसे देते हैं तो सारे खुश हो जाते हैं। जो इस क्या बात है? अभी बस घर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं असर की। नमाज बहुत जरूरी है यार। जब अल्लाह आपके साथ इतना अच्छा है ना, आपको भी अल्लाह के साथ अच्छा होना चाहिए। बात तो सही है। ओ मेरा फोन, ये कैमरा भीग गया, लाता पुलिस मुकाबले हो गया। जी नाजरीन, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमने स्टेरिंग लगा ली है। A few moments later. घर आ गए, अभी बस असर की नमाज वगैरह पढ़ते हैं। एक तो ये बच्चे खेल रहे हैं नीचे, गाड़ी पे बार बार बॉल मार रहे हैं। देखना गाड़ी पे बार बार बॉल मार रहे हैं, तब चढ़ रही मुझे। एक कचौड़ी लेने आया था यहाँ पे G9 में। अभी भी बस घर चलते हैं, घर पहुँच गए थे। अभी का सीन ये है कि अभी अफ्तारी वगैरह में तो मदद वगैरह चाहिए घर वालों को। 15 मिनट्स लेटर अफ्तारी का वक्त हो गया है। अल्लाह मैं नहीं लगा सुन तो वह भाई काम तो बोले खतब अगर तो बोले कर सकता तो अभी अम्मी पतीरी वगैरह मंगवा रही है। अच्छा। रोला ये है कि फोन मैं लेके नहीं जा सकता क्योंकि इस्लामाबाद के हालात कराची जैसे हो गए। ठीक है। यहाँ भी गन पॉइंट पे आके फोन छीन जाते हैं। ठीक है समझ गया। फोन को घर में रख लेते हैं, वॉलेट ले जाते हैं, वॉलेट भी घर में रख देते हैं, सिर्फ 100 रुपए ले जाते हैं। बात तो सही है। अभी G11 जा रहे हैं, नाना का चश्मा टूट गया, कजन है चश्मा तोड़ दिए, यहाँ से पकड़ के जोर से नीचे फेंक कर चश्मा टूट गया। अभी G11 जा रहे हैं चश्मा बनाने के लिए। सलामुअलैकुम। इनका ये चश्मा बनाने का, हाँ चश्मा टूट गया। A few moments later. चश्मा वगैरह बना लिए, अभी एक्टन जाते हैं। नंबर प्लेट चेंज करवाने के लिए। यूट्यूब चैनल भी बनाया है। उधर क्या डाला है? नहीं ऐसे ही व्लॉगिंग करता रहता है। ये प्लेट बना रहा, उसका व्लॉग बना रहा। अभी 323 है, 1000 पे और 4000 पूरा हो जाने तो पैसे वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। क्या 4000 और 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ना, फॉलोअर हो जाए तो पैसे वगैरह मिलने लग जाते हैं, मोनेटाइज हो जाते हैं। अब तो छोटा पड़ जाता है। रेटिंग करते हो इसको? ये फेक अभी है, फेक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इजाजत, खुदा हाफिज़।